अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग अंदरूनी सिंध के दौरे पे निकले हुए और अपने साथ कुछ सामान लेकर आए इनका नुकसान का अजाला करने के लिए। आप पीछे देख सकते हैं एक और जगह हम मौजूद हैं। ये आधा घर जो है आप देख सकते हैं, तकरीबन फर्स्ट फ्लोर जो है वो सफाई हस्ती से मिट चुका है, आधा डूब चुका है घर गिरा हुआ है। ये और ये भाईजान कह रहे हैं ये सारे जो घर आप देख रहे हैं, ये कोई भी एक भी प्लॉट खाली नहीं था, ये जो बच गए ये गनीमत है। ये बाकी सब घर यहाँ से साफ हो चुके हैं, गिर चुके हैं। ये अगर आप देखना चाहें, यहाँ चिंची आए हुए बहुत बड़े पैमाने पे और लोग यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना कोई इमदाद आ रही है यहाँ पे, ना कोई शख्स आ रहा है, ना इनकी हेल्प हो रही है। कितने दिनों से ये लोग बगैर खाने के खुले आसमान के नीचे बैठे हुए। ये औरतें बच्चे इनके आप देख सकते हैं किस हाल में, गंदे पानी में आप देख सकते हैं पड़े हुए। ये फर्स्ट फ्लोर मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट फ्लोर इनका जो है वो सफाई हस्ती से मिट चुका है। ये सेकंड फ्लोर आप देख सकते हैं और कोई पता नहीं है कि जब यहाँ से पानी जाएगा तो ये जो घर खड़े हैं ये भी गिर जाएंगे। ये सारे घर तो गिर चुके हैं। आइए गांव वालों से कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। आएंगे आप दो मिनट सर, मुझे बताइए ये पानी के हवाले से यहाँ क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए लोगों को। सिंधी में बात कर ले, मसला नहीं है, सिंधी में बोलो। आ पुट पानी आ बाबा, घर बेघर से आयो, आने किथे हूं, बेघर आयो, बच्चा सब तंग आयो, अरे परेशान, न मानी न टुकर का शय न मिलो। मुझे ये बताएं, ये जो इतना सारा आप लोग सामान लोड करवा रहे हैं आगे पीछे, ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर हो जाएगा शहर में। शहर में जा रहे हैं तो शहर में कोई जगह है या रोड पे रहने का इरादा है? ना किधर रहेगा, ये किधर पड़ेगा? अभी ये सारे लोग जो है बस अल्लाह की मदद के तहत गाँव से निकल रहे हैं। जगह मिलती है नहीं मिलती है कोई इनको जो है वो भरोसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं क्या मामला है यहाँ पे सारे। इस वीडियो को आप लोग लाजमी शेयर करें। जी भाई, ये भाई कह रहे हैं आगे सारे घर गिर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये आप सामने सारे घर गिर चुके हैं, ये पूरे सिंध का अच्छा। ये भाई लोग कह रहे हैं भाई पानी में ये लोग चारपाइयां उठा उठा के जो है बड़ी दूर से लेके आ रहे हैं। पता नहीं कितना पानी है आपके हिसाब से यहाँ? 7-8 फुट पानी, 7-8 फुट इधर, उधर 12 फुट है, उधर 12 फुट। इस वीडियो को आप लोग लाजमी शेयर करें। इस वक्त अंदरूनी सिंध के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है खुश्क राशन की। खुश्क से मुराद ये ऐसी चीज हो जो कि फौरन लोग खा सकें। या आप ये इधर खाना पकाने की इनके पास कोई सहूलत नहीं है भाई। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, सिंध के लोग बहुत ज्यादा मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद है दादू शहर से आगे तकरीबन 18 किलोमीटर बाद, ये कोई जोही का गाँव लगता है यहाँ पे। और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं जितना भी पानी है सारा सैलाब का पानी है और ये कुछ 15 से 20 फिट गहरा पानी है। और अभी हमने ये ट्रक लेके आए अपना जिसमें से ये सामान अनलोड करके इन कश्तियों में जा रहा है और ये कश्तियों से फिर हम जाएंगे एक तकरीबन कुछ 2-3 किलोमीटर है ये शहर के अंदर। अब शहर के अंदर जाके फिर हमें वापस लोड करके फिर वहाँ से मुस्तकिन लोगों तक पहुँचाने इस सामान। अब इस सामान के अंदर यही है जो बैग्स हमने बैग्स के पैकेजेस बनाए थे। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग कश्ती में अनलोड कर रहे हैं। और इंसान की खिदमत के साथ साथ हमने जानवरों के लिए भी सोचा था, जिसमें हम लोग ये जानवरों के लिए टिंके का कट्टा पूरा पूरा लाएँ, जो कि सैलाब आ गया जहाँ पे कुछ है नहीं जानवरों के खाने के लिए भी, इसलिए हम लोगों ने जानवरों के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ लिया है साथ। और अपने साथ ये थाल भी लिए हैं, जिस तरह के इनके बर्तन वगैरह सब बह गए सैलाब में। इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हमाद फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए खेमा का एहतमाम किया गया है। आपको मालूम हो कि हालिया बारिशों में यहाँ पर इतना तूफान हुआ, इतना नुकसान हुआ, लोगों के माल मवेशी और घरें पानी में बह गए। इस वक्त इन लोगों को अशद जरूरत है खुश्क राशन और खेमों की। अल्हम्दुलिल्लाह 350 खेमों का उन्होंने मुतालबा किया था। इस वक्त हमने हम्माद फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पहुंचाया है 20 खेमे। बाकी लोग इंतहाई परेशानी की हालत में है। इस वक्त सर्दियां शुरू हो चुके हैं, इन लोगों का मुतालबा है कि हमारे लिए मजीद खेमों का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इदारे और तमाम मुआवीन को जजाए खैर अता फरमाए। मजीद इन बेचारों के लिए अशद जरूरत जो चीज है 230 खेमे, मजीद खेमों के लिए मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन साथियों को तौफीक अता फरमाए ताकि इन लोगों के लिए ताउन फरमाए। जजाकुमुल्लाह खैरा। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।